Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. Psychological disorders को continue करते हुए जो topic आज explain करने जा रही हूँ वो बहुत important है. उसका नाम है dissociative disorder. देखो सबसे पहले मैं आपको dissociative का मतलब बताती हूँ. Associative का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना. उसका अपोजिट आप मान के चलिए डिसोसिएटिव. डिसोसिएटिव का मतलब होता है डिस्कनेक्ट करना, किसी चीज से दूर होना. तो यहाँ जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है ये एक मानसिक बीमारी है, ये मेंटल प्रॉब्लम है. इसमें क्या होता है कि पर्सन अपनी पर्सनालिटी से अलग होकर दूसरी पर्सनालिटी अपना लेता है, दूसरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है. उसी पर्सनालिटी की आवाज में, उसी की टोन में, उसी के एक्सप्रेशन में वो बातें करने लग जाता है. ये बीमारी क्यों होती है? ये होती है जब पर्सन अपने दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, ज्यादा एंजाइटी की वजह से, ज्यादा टेंशन की वजह से ये बीमारी हो जाती है. देखो आज के माहौल में लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपने स्ट्रेस को किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं. जब पर्सन की डिजायर अनसेटिस्फाइड रह जाती है, जब पर्सन का किसी से झगड़ा हो जाता है सोसाइटी में, फैमिली में, फ्रेंडशिप में, या अपने ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो स्ट्रेस ले लेता है, उस स्ट्रेस को वो किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर वो मन ही मन में उस स्ट्रेस को फील करता रहता है, तो दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है. तब ये बीमारी अपना रूप ले लेती है और इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. देखो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में फीलिंग ऑफ अनरियलिटी आती है, एस्ट्रेंजमेंट होता है, डीपर्सनलाइजेशन होता है, लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी होती है. देखो जब ये बीमारी हो जाती है तो पर्सन को आसपास का एनवायरनमेंट इमेजिनरी लगता है, उसको अनरियलिटी की फीलिंग आती है, उसे कोई भी चीज रियल नहीं लगती, उसे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं सब अनरियल हैं. एस्ट्रेंजमेंट में क्या होता है, उसे हर चीज इमेजिनरी लगती है, उसे कोई भी चीज रियल महसूस नहीं होती, सब कुछ स्ट्रेंज फील होता है. डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है, उसे ऐसे लगता है जैसे वो अपने शरीर से बाहर आ रहा है, उसे हर चीज ऐसे महसूस होती है जैसे एक सपने में हमें महसूस होती है. इसके बाद शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी में वो अपनी आइडेंटिटी छोड़कर दूसरी आइडेंटिटी में चला जाता है, उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, उसी आवाज में बात करता है, उसी टोन में, उसी एक्सप्रेशन में वो बातें करता है. तो देखो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ. पहली कैटेगरी है डिसोसिएटिव एमनीजिया. एमनीजिया का मतलब होता है भूल जाना, लॉस ऑफ मेमोरी. जब पर्सन की याददाश्त चली जाती है उसे बोलते हैं एमनीजिया. एमनीजिया में क्या होता है, एक सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, यानी पर्सन की जो मेमोरी लॉस होती है वो एक सेलेक्टिव पीरियड के लिए होती है. ऐसा नहीं है उसका टोटल मेमोरी लॉस हो गया, नहीं, यहाँ पार्शियल मेमोरी लॉस होता है. देखो एमनीजिया में क्या होता है कि जो मेमोरी लॉस होती है वो एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव होती है, यानी जो मेमोरी लॉस होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से लॉस हो जाती है, लेकिन सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होती है. यानी सम पीपल कांट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट. अपने पास्ट के बारे में कुछ लोग कोई चीज बिल्कुल भूल जाते हैं, यानी एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव. एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेलेक्टिव चीजों को भूलते हैं. सारे पास्ट इवेंट्स नहीं भूलते वो, कुछ सेलेक्टिव इवेंट्स ऐसे होते हैं जो वो टोटली भूल जाते हैं, टोटली मेमोरी लॉस हो जाता है. दूसरा क्या होता है, अदर्स कांट रिकॉल अबाउट पीपल प्लेसेस एंड इवेंट्स. अब देखो एमनीजिया में सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस ही नहीं भूले जाते हैं, ये बीमारी ऐसी है कि इसमें लोगों को भी भूल जाते हैं, इवेंट्स को भी भूल जाते हैं और प्लेसेस को भी भूल जाते हैं. जैसे इस बीमारी में कुछ लोगों को याद ही नहीं आता अबाउट पीपल, वो कहते हैं कि हम तो आपको जानते ही नहीं है. जैसे उनके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं लेकिन वो उन्हें भूल गए, उनके मिलने पर वो कहते हैं कि आप कौन है, हम तो आपको जानते ही नहीं. दूसरा प्लेसेस, जैसे शिमला वो घूमने गए थे लास्ट ईयर ही, लेकिन उनको अब याद नहीं है, उनको एमनीजिया का अटैक आया है, वो कहते हैं अच्छा शिमला ऐसी जगह है, हमने तो कभी देखी ही नहीं, जबकि वो ऑलरेडी शिमला घूम के आ चुके हैं, लेकिन अब ये चीज प्रॉपरली उनकी मेमोरी में से निकल चुकी थी, उनको ये चीज बिल्कुल भी याद नहीं आ रही. तीसरा है इवेंट्स,
जैसे वो किसी फंक्शन में गए थे, वो कहते हैं अच्छा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, हम तो इस फंक्शन में गए नहीं, जबकि वो उस फंक्शन में प्रेजेंट थे। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम एमनीजिया के केस में अराइज होती है। लोग इवेंट्स, पीपल और प्लेसेस के बारे में एक्सटेंसिवली भूल जाते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें एक चीज और आती है, डिसोसिएटिव फ्यूग। देखो फ्यूग की जो प्रॉब्लम अराइज होती है ये भी मेंटल प्रेशर की वजह से अराइज होती है। जब पर्सन ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो उसे ये डिसऑर्डर हो जाता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन सडनली अनएक्सपेक्टेडली अपने वर्क प्लेस से या फिर अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए कहीं बाहर चला जाता है। उसे पता नहीं होता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, क्योंकि उसकी मेमोरी टोटली लॉस हो चुकी है। वो जहाँ जाता है वहाँ नई आइडेंटिटी बनाता है, नया नाम देता है, नए लोगों से दोस्ती करता है और नई जगह ही वो काम करना शुरू कर देता है। उसके अंदर पुरानी आइडेंटिटी को रिकॉल करने की एबिलिटी नहीं होती, वो टोटली भूल चुका है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। अब वो नई आइडेंटिटी के साथ ही अपना जीवन जी रहा है। तो देखो जब फ्यूग का पीरियड खत्म होता है, जब ये अटैक खत्म होता है, तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में आ जाता है। तब उसे अपने घर वाले याद आते हैं, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी याद आती है, लेकिन उसको कोई भी मेमोरी नहीं होती कि फ्यूग के दौरान उसके साथ क्या हुआ था, वो इतने टाइम पीरियड में कहाँ था, क्या हुआ था, क्या नाम था, कैसे वो जीवन जी रहा था। तो इसमें यही होता है कि पर्सन की मेमोरी टोटली लॉस हो जाती है फ्यूग के दौरान। वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, और जब फ्यूग खत्म होता है वो अपने घर आता है, तब घर वाले उससे पूछते हैं कि इतने दिन बाहर कहाँ थे, तब वो अनेबल होता है ये एक्सप्लेन करने में कि उसके साथ क्या हुआ था, कहाँ गया था और कहाँ वो रहा था। तो देखो फ्यूग में यही होता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस। या तो वो घर से ही चला जाता है या फिर वो काम करने गया था वहां से वो बाहर निकल जाता है। दूसरा, assumption of new identity, इसमें वो अपनी नई आइडेंटिटी बना लेता है, inability to recall previous identity, और वो original identity को recall नहीं कर पाता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। नई आइडेंटिटी के साथ ही वो अपना जीवन जीता है। जब एंड होता है फ्यूग का, no memory of event occurred during फ्यूग। जब ये फ्यूग का अटैक खत्म हो जाता है तो उसको कोई भी मेमोरी नहीं होती कि फ्यूग के दौरान उसके साथ क्या हुआ था, यानी जब उसको ये अटैक आया था तब वो कहाँ था, कौन उसके दोस्त थे, क्या वो काम करता था, कहाँ वो रहता था और क्या उसका नाम था, तो वो सारी मेमोरी उसके दिमाग से लॉस हो जाती है। तो ये होता है फ्यूग अटैक के दौरान। ये भी एक डिसऑर्डर है जो स्ट्रेस की वजह से अराइज होता है। अब देखो इसमें और डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी आ जाती है। मल्टीपल पर्सनालिटी का मतलब होता है एक इंसान में एक से ज्यादा पर्सनालिटी का एग्जिस्ट होना। देखो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से दूर हो जाता है और दूसरी पर्सनालिटी में वो चला जाता है। दूसरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करता है, उसी की आवाज में वो बात करता है, उसी की टोन में, उसी के एक्सप्रेशन में वो बातें करने लग जाता है। जैसे देखो आप लोगों ने भूल भुलैया पिक्चर में विद्या बालन को मंजुलिका की पर्सनालिटी में देखा था, कैसे वो बंगाली लैंग्वेज में बातें करना शुरू कर देती है। जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसने अपने साथ फील किया था वही उसने मंजुलिका के साथ देखा, तो उसने मंजुलिका के कैरेक्टर को अपने साथ एसोसिएट कर लिया। तो यहाँ पर जैसे वो बिहेव कर रही थी, वो मंजुलिका की भाषा में बोलना, बंगाली लैंग्वेज में बोलना, तो घर के लोग क्या सोचने लग गए थे कि इसके अंदर कोई इविल स्पिरिट आ गई। कोई भी इविल स्पिरिट नहीं थी, वो एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर था। और देखो ये जो बीमारी होती है ये धीरे धीरे साइकेट्रिस्ट ही दूर कर सकता है, जैसे अक्षय कुमार उसमें साइकेट्रिस्ट बना था और किस तरह से उसने हिप्नोसिस से उसको धीरे धीरे ट्रीटमेंट देकर ठीक किया था।
तो ये कोई भूत प्रेत आने की वजह से पर्सन अपनी वॉइस चेंज नहीं करता है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जब वो मंजुलिका की पर्सनालिटी में आती थी तो वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेती थी, बांग्ला लैंग्वेज वो बोलना शुरू कर देती थी, उसे याद नहीं रहता था क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से दूर हो जाती थी। तो इसे स्प्लिट पर्सनालिटी भी बोलते हैं। जब पर्सन दूसरी पर्सनालिटी में होता है तो वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को भूल जाता है, और जब वो ओरिजिनल पर्सनालिटी में आता है तो वो भूल जाता है कि उसने उस समय क्या किया जब वो दूसरी पर्सनालिटी में था। अब देखो, एक पर्सन के अंदर कितनी पर्सनालिटी हो सकती है ये कोई बता नहीं सकता, और कितनी देर तक दूसरी पर्सनालिटी एग्जिस्ट होती है इसका भी कोई आंसर नहीं है। ये पर्सनालिटी कुछ घंटे के लिए एग्जिस्ट हो सकती है, कुछ महीनों के लिए एग्जिस्ट हो सकती है, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है कि कितने समय तक दूसरी पर्सनालिटी उस इंसान के अंदर रहेगी। ये डिसऑर्डर एसोसिएट होता है विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। देखो, जिन बच्चों ने अपने चाइल्डहुड में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फील किए हैं उनको इस तरह की डिसऑर्डर होती है, जैसे नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मेंटल इल पेरेंट्स, इमोशनली एंड मेंटली अब्यूज्ड। जिन बच्चों ने चाइल्डहुड पीरियड में बहुत नेग्लेक्ट फील किया है, जिनके पेरेंट्स ने बच्चों के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट किया है, जिन बच्चों को इमोशनली या मेंटली बहुत अब्यूज्ड फील हुआ है, उन बच्चों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है। अब देखो, ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जिनके साथ बचपन में ज्यादा टॉर्चर होता है। जैसे भूल भुलैया पिक्चर में विद्या बालन के साथ बचपन में टॉर्चर हुआ था कि उसका दादी के साथ ज्यादा अटैचमेंट था। उसके पेरेंट्स ने पहले तो दादी के पास छोड़ दिया, बाद में वो बोले कि बाहर सेटल हो जाएंगे, फिर वो अपने साथ उस बच्चे को ले जाते हैं और दादी की डेथ पर भी उस बच्चे को नहीं आने देते। इस तरह के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी आ जाती है। वो कुछ टाइम तक तो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में रहेंगे और कुछ टाइम बाद वो दूसरी पर्सनालिटी में चले जाते हैं। अब देखो, एक पर्सन के अंदर कितनी पर्सनालिटी होती है ये एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। एक पर्सन में दो पर्सनालिटी भी हो सकती है, 10 पर्सनालिटी भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा, इसका कोई टाइम लिमिटेड भी नहीं है कि कितने समय तक जो दूसरी पर्सनालिटी है वो उस इंसान के अंदर रहेगी, यानी दूसरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो कब तक बिहेव करेगा, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट आता है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। देखो, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ड्रीम लाइक स्टेट इन विच पर्सन फील सेपरेटेड फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम रियलिटी। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंसान को ऐसे लगता है जैसे वो सपने में फील करता है कि वो अपने शरीर से बाहर आ रहा है, उसे बाहर की दुनिया बिल्कुल इमेजिनरी लगती है, वो रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाता है। चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन, सेंस ऑफ रियलिटी इज टेम्परेरीली लॉस्ट। देखो, यहाँ उसका सेंस ऑफ परसेप्शन चेंज हो जाता है, लेकिन जो ये चेंज होता है ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ये परमानेंट पीरियड के लिए नहीं होता। तो ये बीमारी भी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होती है। जो लोग ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, जो बहुत टेंशन लेते हैं, जो बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, उन्हें डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। होपफुली ये सारे डिसऑर्डर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।